हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विग की पाठशाला। दोस्तों, आज हम यहाँ पे सीखेंगे एक बंडल स्टील का वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास जो फार्मूला होता है वेट ऑफ स्टील पर मीटर निकालने के लिए, ठीक है, तो ये होता है डी स्क्वायर अपन 162, जहाँ पे डी क्या होता है, एमएम में होता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं, यहाँ पे जो अगर आप फीट में निकालना चाहते हैं तो ये होता फार्मूला हो जाता है डी स्क्वायर अपन 533। ठीक है, ये किसमें निकलता है दोस्तों, ये निकलता है केजी पर फीट में। यदि आप ये जानना चाहते हैं डी स्क्वायर अपन 162 आता कैसे है या ये फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 का स्टील लेते हैं, उसका पर मीटर में वेट निकालते हैं, तो आता है डी स्क्वायर अपन 162 में वैल्यू रखते हैं 12। ठीक है, तो आ जाता है 144/162 आ जाता है 0.88 केजी पर मीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सरिया आती है वो 12 मीटर फुल लेंथ में आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार फुल लेंथ की वेट निकालेंगे, तो हम 0.88 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो फुल लेंथ की सरिया आती है उसका वेट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो 12 की सरिया का जो बंडल आता है उसमें 8 नंबर होता है, ये अलग अलग डाया के लिए अलग अलग नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम जैसा कि जानते हैं 12 की जो बंडल होती है उसमें 8 नंबर आते हैं, तो हम 10.656 केजी जो कि एक फुल लेंथ की सरिया का वेट है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों हमारा आ जाता है 85.248 केजी। यानी जो 12 की सरिया का जो एक बंडल होता है उसमें 8 बार आता है और उसका जो वेट होता है वो होता है 85.248 केजी। ठीक है, तो किसी भी बंडल का वेट निकालने के लिए आप पहले क्या करिएगा, पहले इस फार्मूले की सहायता से केजी पर मीटर यानी एक मीटर का वेट निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसकी फुल लेंथ का वेट निकाल लीजिएगा। ठीक है, फुल लेंथ के वेट निकालने के बाद उस बंडल में कितने सरिया आते हैं, उसके बाद उसको उस फुल लेंथ की सरिया का जो वेट आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल वेट आ जाएगा, यानी उस बंडल का टोटल वेट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।